Everybody wants to develop our personality. But पहले ये तो जान लो कि personality होता क्या है। The different qualities of a person's character that make him slash her different from other people. मतलब ऐसी qualities जो आपको दुनिया से unique and different बनाती हैं। और इन्हीं qualities को find करने के लिए मैंने पहले normal लोगों को analyze किया और साथ ही साथ personality kings को भी study किया। और इतना सब कुछ करने के बाद I found 5 rare qualities जिन्हें improve करके आप भी दुनिया के केवल 1% मर्दों में से एक बन सकते हैं। Listen to others. सबसे पहले लोगों को सुनो और समझो, आई कॉन्टेक्ट बनाओ और फोकस रहो। इससे उन्हें भी लगेगा कि आप उन्हें सुन रहे हो और इम्पोर्टेंस भी दे रहे हो। एंड उसके बाद कुछ बोलो और जरूरत पड़े तो समझाओ भी। बट अगर आप हमेशा खुद ही बोलते रहोगे तो कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी आजकल सुनना नहीं चाहता है, सबको अपनी ही सुनानी। सबसे पहले एक एक्टिव लिसनर बनिए, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे आप बिना कुछ किए अपनी कन्वर्सेशन और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, 100 में से सिर्फ 1-2 बंदे ही मिलेंगे जिनकी फिजिक्स सच में अच्छी हो। नहीं तो कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का पेट निकला हुआ है, कोई कमर से झुक गया है, भाई सबके साथ कोई ना कोई दिक्कत मिली जाएगी। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, जिम जाके, थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देके आप भी वैसे बन सकते हो अगर बनना चाहो। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो ए वॉच टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती है। योर वॉक, हैंडशेक्स, कैसे बैठते हो, कैसे बातें करते हो, डिफरेंट सिचुएशन में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, एंड और भी बहुत सारी चीजें। वीडियो लंबी एंड बाकी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ना होते तो जरूर बता देता, बट टेंशन मत लीजिए, इस पे भी जल्द वीडियो आ जाएगी अगर आप कमेंट करते हो। लोगों को प्रायोरिटी देना सही है, बट खुद को ही भूल जाना ठीक नहीं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान अपने लुक्स, अपने हाइजीन, अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी दीजिए, क्योंकि दिखावे का जमाना है बॉस। अब जैसे दिखोगे दुनिया आपको वैसे ही जज करेगी। एंड सिर्फ एक चीज को समझो, जब आप खुद की केयर करोगे तभी दुनिया आपकी केयर करेगी। दो बंदे हैं, पहला जो सिर्फ दूसरों का मजाक बना के खुश हो लेता है, एंड सेकंड वन जो खुद के मजाक पे खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। आप बताओ किसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो? डेफिनेटली सेकंड वन इज द विनर, बिकॉज वो अपने साथ साथ दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की खुशियों को भी समझ रहा है, सामने वाले के जोक पे उससे भी ज्यादा हंस रहा है। तो यही सब चीजें होती है जो एक बंदे को दूसरों से अलग बनाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ये था हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज का पहला वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बाकी जो नए हैं उन्हें बता दूं, दिस इज फैशन वाला यार, यहाँ पे आपको ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।